अभी अंबरनाथ में हूँ। अंबरनाथ में मैं इसके लिए हूँ क्योंकि मुझे एक शादी अटेंड करनी थी, मतलब करनी है, कल है शादी, आज हल्दी और मेहंदी है। दुल्हन हमारे साथ है, देखो ये दुल्हन है। रेडी होने के बाद और मिलेंगे। बहुत अच्छी जगह है, हम लोग अभी जा रहे हैं फ्रेंड्स से मिलने के लिए। लगा क्या तुम्हें? सो सॉरी, दुल्हन को पीट रही मैं। चलो अभी क्या क्या बाकी है, फंक्शन है, हल्दी है, मेहंदी है, तुम्हारी तो हो गई ना सारी चीजें बाकी है ना। हल्दी और शाम को फिर संगीत। अच्छा, मैं तो एक ही कपड़ा लाई हूँ, इसी में रहूंगी, कुछ नहीं प्रिपरेशन कर रही हूँ। छुट्टे हैं। कपड़े मैंने आयरन नहीं किए। अरे इधर लाके रखा देना, इसको अगर उस तरफ। बड़े दूर नहीं हूँ मेहंदी दिखाने के लिए, पोज करने के लिए थोड़ा पास आके दिखा दो। मेरा पति आ रहा है, पति के साथ लेते हैं। मस्त है, आ जाओ ना एक बार फोटो लेते हैं। अरे भाई ये क्या मट्टी निकाल के दिखाऊं खाला। भाई का दुल्हन है वो। तुम अच्छी लग रही हो, मेहंदी भी बड़ी अच्छी लग रही है, मस्त लगाई है ना। मेरे को भी, लेकिन मेरे को पकड़ के भर के लगा दिया, मस्त लग रहा है। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आज है 21st ऑफ मे और मैं अंबरनाथ में हूँ और अटेंड करने आई हूँ मेरे फ्रेंड की बहन की शादी। तो अभी तक कुछ भी शूट नहीं कर रही थी क्योंकि बहुत पागम दौड़ी थी, यहाँ पहुँचना था, हम लोग लेट हो गए थे निकलने के लिए, तो बहुत गर्मी थी। तभी जस्ट पहुँचे, खाना वगैरह खा लिया है, जल्दी मेहंदी लगाने के लिए। मेहंदी लगा के आपसे मिली, मुझे लोकेशन पता नहीं कहाँ जाना है, तो मिल जाएगा तो देखते हैं, जगह अच्छी है। देख रही हूँ ये वाले कमरे में अभी हम रुके हुए हैं, यहाँ पे दो कपल रुकेंगे, प्रिया भी तैयार हो रही है और ये मैंने मेहंदी निकाल ली है जैसे तैसे, ये प्रिया है। ये वाला जो है निकाल लिया है मैंने, अभी बस जा रही हूँ फ्रेश होने के लिए। फेस कुछ ऐसा सा दिख रहा है तो मुंह कम से कम धो लेती हूँ, हल्दी का फंक्शन शुरू होगा तो मैं सिर्फ स्किन केयर के लिए। अच्छा ये तो ये खुद को अच्छी बोल रहे हो, किया है, फाउंडेशन नहीं लगाया है और सिर्फ वो जो टिंट होते हैं ना वो लगा के सारा खुद को तैयार कर लिया, इतना काफी है। अभी फिलहाल हल्दी शुरू होगी तो उसके बाद हल्दी फंक्शन होगी, जो होगी मैं दिखा दूंगी। और ये प्रिया रेडी हो चुकी है, बड़ी नहीं हुई, बड़ी हो चुकी है, बड़ी थी। अरे नहीं नहीं, मेरा बच्चा बड़ी नहीं, रेडी। ओके हाय हाय बोलते रहो। तो दो बार बार खुल रहे तो कूलिंग हो रही है।
बोरियत से मर रही हूँ मैं, समझ रही हूँ बहुत ज्यादा बोरियत। आगे फोटोशूट चालू है और मैं यहाँ बैठी हूँ। सारे दोस्त लोग सब अपने में बिजी है, ये अपने में बिजी है। इतनी बोरियत मेरे को कभी नहीं लगी। एक्चुअली नहीं, बहुत गर्मी है ये लोकेशन में, ऊपर से नेटवर्क नहीं है, मतलब बोरियत मुझे नहीं मारती। कैसा है कि कम से कम मोबाइल अगर मैं ब्राउज कर पाती, इंस्टा वगैरह देख पाती तो टाइम पास होता रहता, बट कुछ नहीं कर पा रही हूँ तो इस वजह से और अच्छी। अभी लगभग 10 बज के गए हैं, डिनर लग रहा है, खाना खाती सोना बेहतर रहेगा मेरे लिए।